आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस की भी शुरुआत हो चुकी है और इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 5G सर्विस की भी शुरुआत करने वाले हैं। 5G पांचवी पीढ़ी का एक मोबाइल नेटवर्क है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में 1G फिर 2G फिर 3G और 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस ये एक मानक है 5G। 5G के जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम हैं उसमें जो इंटरनेट की जो स्पीड है उसकी गति का परीक्षण 20 GB प्रति सेकेंड के रूप में किया गया। आप समझ सकते हैं कितने स्पीड इसकी गति होगी 5G में। 20 GBPS के रूप में इसका परीक्षण किया गया है। अगर इसी के मुकाबले 4G सर्विस की बात करें तो अधिकांश मामलों में 4G में जो अधिकतम इंटरनेट की डेटा की स्पीड है वो 1 GBPS दर्ज की गई है। तो 4G में हम और आप इन दिनों 1 GBPS की स्पीड को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन 5G सर्विस के आ जाने के बाद से हम 20 गुना ज़्यादा स्पीड को एक्सपीरियंस कर पाएंगे 20 GBPS गीगाबाइट प्रति सेकंड के स्पीड में हमें वो सुविधा मिल पाएगी। उनसे वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उन ऑपरेटर्स के ज़रिए 5G सर्विस की शुरुआत होगी। पहले फेज़ में देश के 13 शहर जहां की 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत की जाएगी, उन 13 शहरों हम आपको जानकारी दे दें, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में इस सर्विस की शुरुआत की जाएगी। आप इन तस्वीरों में जियो की सर्विस को देख सकते हैं और तमाम जो बारीकियां हैं उनको जियो के अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाते हुए कि किस तरह से ये 5G सर्विस जो कि एक बहुत ही क्रांतिकारी सर्विस के तौर पर माना जा रहा है, एक रिवोल्यूशनरी सर्विस होगी जिसके ज़रिए आज तक हम जो एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं 2G 3G 4G उससे कहीं ज़्यादा ये फास्ट और इसकी जो तमाम जो खूबियां हम आपको आगे बताएंगे। और केंद्रीय मंत्री की तरफ से अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये भी कहा गया कि अगले 2 से 3 वर्षों में 5G सर्विस देश के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इसकी कीमत जो है वो कम रहे। हम जानते हैं कि हमारा जो दूर संचार उद्योग है वो 5G सेवाओं के विस्तार के लिए शहरी और साथ साथ ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और पहले फेज के बाद छोटे शहरों को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और आप लगातार इस कार्यक्रम को देखते रहिए क्योंकि आज बहुत सारी अहम जानकारी आपको मिलने वाली है। हम आपको बताएं 117 करोड़ से अधिक दूरसंचार उपयोगकर्ता उपभोक्ता और हमारे देश में 82 करोड़ से अधिक इंटरनेट के जो कंज्यूमर हैं, जो ग्राहक हैं, उनके साथ भारत डिजिटल उपभोक्ताओं के लिए सबसे अधिक तीव्र गति से वृद्धि करते हुए वैश्विक बाजारों में से एक है। यहाँ पे हमने जैसे बताया आपको 117 करोड़ से अधिक दूरसंचार उपयोगकर्ता हैं और 82 करोड़ से अधिक इंटरनेट ग्राहकों के साथ वैश्विक बाजार में सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला, वृद्धि करने वाला भारत एक है। और एक संस्था है मैकिन्से, उन्होंने 2019 में एक अध्ययन किया था और उसके मुताबिक भारत दूसरी सबसे अधिक तीव्र गति से डिजिटलीकरण करने वाली इकॉनमी है, अर्थव्यवस्था है। दूरसंचार क्रांति के लिहाज से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और न सिर्फ दूरसंचार के लिहाज से बल्कि इसके और क्या कुछ यूजेस हैं
हम जानते हैं कि इन दिनों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का ज़माना है, चौथी औद्योगिक क्रांति चल रही है, और इस क्रांति में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एज कंप्यूटिंग के साथ साथ ये जो 5G तकनीक है, प्रधानमंत्री इसका एक्सपीरियंस करते हुए इस सर्विस का, 5G सर्विस का